दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, पढ़ाई के साथ मोटिवेशन भी ज़रूरी है, तो आज ये मोटिवेशन की हमारी पहली क्लास है, तो चलिए हम मोटिवेशनल कुछ पढ़ते हैं और अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करेंगे हमेशा। एक कहानी आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया धीरे धीरे। सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे ज़रूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी ज़रूर करेगा। वह ज़िद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वो हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं हमारी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटे की स्टडी करते हो, और किसी दिन कोई परेशानी से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना ज़रूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें। हम हमेशा देखते हैं कि कभी भी जब हम उदास होते हैं या कोई भी परेशानी होती है, तो जो हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, जैसे हमारी पढ़ाई या फिर ऐसा कोई काम जिससे हमारी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ेंगे, तो हम उसको छोड़ के उन सब उलझनों में उलझ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें सबसे पहले अपना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, ज़रूरी काम है, जो हमें हमारी ज़िंदगी में 4 कदम आगे लेके जाएगा, हमको हमें सबसे पहले उस पे ध्यान देना चाहिए, उसको करना चाहिए, और बाकी की चीज़ें तो होती रहेंगी। इसलिए सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।